हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। और आज 26 जून है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैंने आप लोग को मेरे एक व्लॉग में बताया था कि जून मंथ मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, और आज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं इतने अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, सुबह सुबह इतना अच्छे से रेडी होके कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो आप लोग व्लॉग एंड तक देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी नीचे जाएंगे और मैं आपको रास्ते में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्यों इतनी रेडी हुई हूँ और आज क्या है, तो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो येस गाइज, इट इज़ 26 जून, आज के दिन मैं बॉर्न हुई थी इसलिए आज मेरा बर्थडे है। और मेरे लिए मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल रहता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि साल में एक ही बार आपका बर्थडे आता है, तो आई मेक श्योर कि मैं मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं। वैसे तो हमारे पास 100 रीज़न है सैड होने के लिए, बट खुश होने के लिए बहुत कम रीज़न होते, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना बर्थडे मिस आउट ना कीजिए। जो आपको पसंद है आपके बर्थडे के दिन कीजिए, जैसा मैं करती हूँ। मैं हर साल अपने बर्थडे के दिन घर पे पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं टेम्पल जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ और वहाँ पे भी भगवान जी के दर्शन लेती हूँ। तो हमारे जस्ट बिल्डिंग के पास में ही पुलिस स्टेशन है और उनके कंपाउंड में ही गणपति जी का मंदिर है, तो मैं हर साल वहीं पर स्वीट्स लेके जाती हूँ। एंड आई एम सो लकी कि हमारे यहाँ पर अभी पार्किंग के हिसाब से शॉप्स ओपन होते हैं, तो आज ये वाला पार्किंग साइड ओपन किया है, तो ये स्वीट का शॉप ओपन मुझे मिला। एंड आई एम अगेन लक्की कि मुझे मेरा ही फेवरेट मिठाई मिल गया, बाकी कोई मिठाई उन्होंने बनाया नहीं था क्योंकि एक दिन ही ओपन रखते तो वो ज़्यादा स्वीट्स रखते नहीं अपने पास। तो मेरा जो फेवरेट मोतीचूर का लड्डू है वही आज वहाँ पे अवेलेबल था, तो मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए, एक मंदिर में देने के लिए और एक घर पर लेके जाने के लिए। अगर टेम्पल होगा तो हम अंदर जाके दर्शन कर लेंगे, अगर बंद होगा लॉकडाउन के वजह से तो मैं बाहर से ही दर्शन कर लूँगी। और अगर वहाँ पे कोई भटजी वगैरह या कोई होगा आसपास मंदिर का जो रहते हैं उनके पास देकर आ जाऊँगी। सो यहाँ से तो मुझे दिख नहीं रहा है मंदिर ओपन है या नहीं, बट जाके देखते कि ओपन है या बंद है। चलो सो लेट्स गो। सो एज़ आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मंदिर लॉकडाउन के वजह से बंद ही रखा है, बिल्कुल ओपन नहीं करते, सिर्फ सुबह ओपन रहता है। और यहाँ पे मुझे लकीली भटजी मिल गए, तो मैंने उनसे ही पूछ लिया कि मिठाई अभी क्या करूँ, तो ही सेड आप मेरे पास दे दो, जब मैं बाद में ओपन कर लूँगा तब मैं भगवान जी के पास रख दूँगा आपके नाम से। तो बस मैंने उनके पास दे दिया है और यहाँ पर मैं अभी चप्पल उतार के भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाए, ये COVID-19 जल्द से चला जाए और हम लोग सब बैक टू अपने नॉर्मल लाइफ में चले जाए, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा सबको स्ट्रेस आउट हो रहा है। सो जल्द से जल्द हम सब इस COVID-19 से फ्री हो जाए और अपने बैक टू रूटीन लाइफ में आ जाए। और मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, आपको जो पसंद है आपके बर्थडे के दिन आप वो कीजिए। अगर आपको मूवी पसंद है तो मूवी जाइए, लंच करना पसंद है तो आप लंच के लिए जाइए, अगर आपको चैरिटी डोनेशन करना पसंद है तो अपने बर्थडे के दिन वो कीजिए, या किसी को सिंगिंग डांसिंग म्यूज़िक का शौक है तो वो घर पर ही अपना बर्थडे अच्छे से म्यूज़िक लगा के डांस करके सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें केक ही काटना है या पार्टी ही करना है, सेलिब्रेट ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर आर मेनी 100,000 वेज के जिस तरीके से आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपके मन को खुश करती है, आप वो अपने बर्थडे के दिन ज़रूर कीजिए। जो भी आपका मनपसंद चीज़ हो, अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो कुछ अच्छा बना के अपने फैमिली के साथ खाइए, या आपको घूमना पसंद है तो आप ट्रैवल कीजिए, कोई लोकेशन पर जाइए वहाँ अपना बर्थडे मनाइए। तो बहुत तरीका है हमारे पास बर्थडे मनाने के लिए, ज़रूरी नहीं केक ही काटना है और पार्टी ही करना है। सो वी आर डन एंड नाउ लेट्स गो फॉर मार्केट शॉपिंग। अभी नीचे उतरी हूँ तो मैं सोचा कि थोड़ा भाजी भी ले लूँ।
देखिए सानू भी फ्रेश हो चुकी है, फुल रेडी है आज मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। नानू आज क्या है? हैप्पी बर्थडे। किसका हैप्पी बर्थडे? मम्मा का। तो मम्मा को विश करो, किसी दो क्या बोलने का? हैप्पी बर्थडे मम्मा। हैप्पी बर्थडे मम्मा। आप केक काटोगे मम्मा के साथ? हाँ। कौन सा वाला केक लाएंगे? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक आप खाओगे? हाँ। कट करोगे मेरे साथ? हाँ। मेरा पिल्लू, नानू से पिल्लू बड़ी बदमाश है। एंड लेट सी, पता नहीं निशु अभी केक ऑर्डर करने वाले ऑनलाइन या जाके लाने वाले। ऑनलाइन करने वाले। हाँ, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं है। लेट सी, अभी तक कुछ प्लान नहीं किया है कि आगे का दिन कैसे स्पेंड करेंगे, बट करेंगे, कुछ तो करेंगे स्पेशल। और यहाँ पे लंच की भी तैयारी हो गई है, कांदा टमाटर मैंने काट दिया है, बस अभी कुकिंग करना है। आज का लंच भी बहुत स्पेशल है, यूनिक है थोड़ा सा, तो मैं एक बार बना लूँ फटाफट, फिर आप लोगों को प्लेट रेडी करके दिखाऊंगी। और बहुत ही टेम्पटिंग माउथ वाटरिंग वाटरिंग डिश है, तो आप लोग ज़रूर देखना। मैं फटाफट बना लूँ लंच, है ना नानू? तब तक आप क्या करोगे? खेलोगे, है ना? है ना? सबको बाय बोलो। बाय। जोर आने बाय। अब दो मम्मा को। इसने जब मुझे रात को बर्थडे विश किया ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, उसके इतने छोटे से हाथ आके मुझे बोली मम्मा हैप्पी बर्थडे, इतना अलग फील हुआ ना, क्योंकि अब तक तो वो छोटी थी, उसको नहीं समझता था, 3 साल की थी तो इतना कुछ नहीं समझ पाती थी। अभी वो 4 साल की हो चुकी है, 4+ है, तो अभी उसको समझने लग गया है। तो जब उसको निशु ने बताया कि मम्मा का बर्थडे है, तो वो इतने प्यार से आके मुझे हग किया, उसने विश किया मम्मा हैप्पी बर्थडे, तो इतना एज अ मदर मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना कि मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो फीलिंग कैसी थी। तो जो मदर्स है उनको तो पता होगा कि फीलिंग कैसी होती जब अपना बच्चा अपने फर्स्ट टाइम, वो भी अभी, क्योंकि इतने साल तक छोटी थी तो उसको उतना नहीं समझ पाता था, वो सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलती, बट नाउ शी इज़ अंडरस्टैंडिंग। अभी वो सुबह से बोल रही है केक लाएंगे, केक काटेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एक अलग ही फीलिंग हो रही है। तो अभी मैं फटाफट लंच बना लूँ, उसके बाद आप लोग के साथ आगे का शेयर करती हूँ। तो ये देखिए परू और निशु दोनों केक शॉप जाकर आ चुके। तो ये देखिए मेरा बर्थडे केक आ चुका है, सानू मेरे लिए स्पेशली बर्थडे केक लेने गई है। कम नानू? अरे मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन सा केक लाया नानू? अच्छा, ओपन करके देखो, सरप्राइज़ है मेरे लिए, पापा बोला सरप्राइज़ है। गो बिहाइंड। मम्मा के लिए सरप्राइज़ लाया तू? मम्मा के लिए बर्थडे केक लाया, थैंक यू सो मच नानू, आई लव यू। तो आज मेरा बर्थडे स्पेशल लंच रेडी है, जो है कोमड़ी वड़े। ये महाराष्ट्र लोगों का बहुत स्पेशल डिश है, उनका बहुत फेवरेट है। तो जो महाराष्ट्र ने उनको तो ये ज़रूर पता होगा, बट जो नॉन महाराष्ट्र ने उनके लिए कुछ नया होगा। ये होता है एक्चुअली पूरी जैसा ही, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती है। तो मैं एक दिन आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी बनता है। और साथ में ये है चिकन की ग्रेवी, जो मैंने एकदम मराठी स्टाइल में बनाया, जैसे मम्मा बनाती है वैसा। और यहाँ पर ये ड्राई चिकन मसाला, कलेजी और चिकन का बना है सैलेड। और ये स्वीट जो मेरा सबसे फेवरेट है, तो आज मेरा बर्थडे तो इसलिए मैं आज मेरा फेवरेट ही लेकर आई हूँ। और ये है सोल करी। सोल करी हम लोग महाराष्ट्र में कंपलसरी है, अगर आप कहीं पे भी कोई भी महाराष्ट्र इसमें जाओगे तो वहाँ पे आपको सोल करी सर्व किया ही जाता है। खाना खाने के बाद इसको पिया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। ये नारियल का जो दूध होता है ना, नारियल को ग्राइंड करके उसका जूस निकालते हैं और फिर उससे बनाया जाता है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, बहुत टेस्टी होता है। तो एक दिन मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, मराठी स्टाइल चिकन ग्रेवी की भी रेसिपी शेयर करूँगी।
बहुत कुछ है, बहुत सारी रेसिपीज है मेरे पास शेयर करने के लिए, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग ये आज मेरा बर्थडे स्पेशल लंच एंजॉय करने वाले हैं, तो आप लोग भी प्लीज आइए और हमारे साथ लंच एंजॉय कीजिए। कम सो आई एम ऑल रेडी फॉर माई बर्थडे पार्टी, बर्थडे इवनिंग ड्रेस्ड अप। और अभी बंटी का भी कॉल आया सुशांत का, तो मैं आपको उससे भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आई जस्ट टेक द कॉल एंड मेक यू स्पीक टू हिम ऑल्सो, वन मिनट ना मुबी ना। हाय कैसा है? थैंक यू सो मच। हाँ कैसा है तू? आज किती दिवसांनी तुला पण बघतील, मी नेहमी बोलायची ना सुशांत शिप में है आएगा, वी ऑल आर मिसिंग हिम। आज किती जण तुला पण व्लॉग बघा, आज तुला बघतील की हा बाबा कौन है सुशांत, हमेशा वो क्वेश्चन मार्क था। सो पीपल विल कम टू नो हु सुशांत, सो ही इज सुशांत। टुडे मेक श्योर इट्स अ बिग थम्स अप एवरीवन। केक का पहले ये ओके कमिंग। हां तुला आम्ही मिस करतो, सगळी तयारी झाली आहे, केक पण आणले सगळं झालंय, तुलाच मिस करतोय, लवकर ये। लवकर ये ताकि आपले जे पण प्लॅनिंग होते आपण जे ठरवले ते सगळं व्हायला। लवकर ये लवकर ये लवकर ये, वाट बघतोय आम्ही। खूप ओव्हर ड्यू झालाय ना, त्याचं सगळ्यांना असं झालंय तू कधी येतो सेफली ये जसं पण येशील। हा आणि केक कापायला ये आता, आम्ही तिथे केक कापायलाच घेतोय। हा चल मग, हा बाय कर सगळ्यांना, बाय कर, बाय बाय कर, बाय। हा एन्जॉय द व्हिडिओ, डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल बोलतोय तो प्लीज आप लोग करना सबस्क्राइब। ठीक है चल मग बाय, लवकर ये। हा पप्पा ना देते, थांब एक मिनिट। हा बाय बाबू।
एवरीवन, फाइनली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया फैमिली के साथ जैसा मैं चाहती थी, बिल्कुल वैसा मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर आपको भी आज का व्लॉग उतना ही पसंद आया होगा। और आज निशु ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया है, मैग्नेट वॉच, जो आप अपने हाथों के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे यही चाहिए था बहुत टाइम से और फाइनली निशु ने मुझे वही बर्थडे गिफ्ट दे दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई गिफ्ट। और अगर आप लोग भी मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करूँगी कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।